सोचो, एक ये है, एक ये है, चाहे तो हेडिंग में क्या लिख सकते हो, क्या लिखनी है हेडिंग बताओ, स्फेरिकल कैपेसिटर्स। चलो इतना तो हमको पता है, दो स्फेरिकल कंडक्टर्स रख दिए हमने ना। अगर बाहर मैं क्यू चार्ज दूं, अगर बाहर मैंने कितना चार्ज दिया तो अंदर कितना आ जाएगा, और किसी सरफेस पे कोई चार्ज नहीं, इस पर अपन ने माइनस क्यू दिया, इस पर प्लस क्यू दिया, ठीक है। कंडक्टर्स पे हमेशा इक्वल अपोजिट चार्ज होगा, ये लिखवा दूंगा अभी ना। तो इस केस में अब कैपेसिटेंस कैसे निकालें, सी क्या होता है अपना, क्यू बाय वी। अब ये सी क्या कहलाएगा हमारा यहाँ पे, कैपेसिटेंस। अब ये कैपेसिटी नहीं है, ये क्या है, फॉर टू कंडक्टर। जब दो कंडक्टर्स आएंगे तो हम सेम चीज को क्या बोलने लगे, नाम अलग अलग क्यों रखा वो मैं बताता हूँ। ये भी सेम आइडिया देता है, कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं पर यूनिट वोल्ट। अब यहाँ पे बी क्या ले, ये बताओ, इसका वोल्टेज ले या इसका वोल्टेज ले, किसका पोटेंशियल ले। तो वी अब जब हम लिखेंगे क्यू इंटू सी वी। वी ना तो इसका पोटेंशियल है ना इसका पोटेंशियल है, वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो पोटेंशियल नहीं है, वो क्या बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब अगर इसका पोटेंशियल मैं वी वन मान लूं, इसका पोटेंशियल मैं वी टू मान लूं, तो हमारा वी क्या है इस केस में, वी वन माइनस वी टू, पोटेंशियल ड्रॉप है ना। या फिर ये समझ लो पॉजिटिव, देखो पोटेंशियल अच्छा पॉजिटिव वाले का ज्यादा होता है नेगेटिव वाले का, वैसे हमेशा ट्रू नहीं है, ठीक है चलो, पर ठीक है पॉजिटिव माइनस नेगेटिव लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस में, याद रखो जो पॉजिटिव वाली प्लेट है उसका पोटेंशियल माइनस नेगेटिव वाली प्लेट, ये हमेशा याद रखें। पहले तो यहाँ पे वी पोटेंशियल नहीं है, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल कैसे लिखना है, पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव वाले का। चलो इसको मैं थोड़ा और अच्छे वे में लिख देता हूँ, वी प्लस मान लो, ये वी माइनस मान लो, वी वन क्यों क्या है, वी प्लस और वी माइनस, मतलब पॉजिटिव वाले का पोटेंशियल माइनस। यहाँ पे कोई दिक्कत है क्या, कैपेसिटी में वो पोटेंशियल था क्योंकि एक ही कंडक्टर था, कैपेसिटेंस में ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि दो कंडक्टर हैं। तो अब ये क्या आइडिया दे रहा है तुमको कि अगर दो कंडक्टर के बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस है तो वो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, और चार्जेस हमेशा इक्वल अपोजिट होंगे ना, क्यू है तो इस पे क्या है, माइनस क्यू, ठीक है। तो ये क्यू क्या है, तुम बस पॉजिटिव वाली प्लेट का चार्ज लोगे, हमेशा पॉजिटिव वाली प्लेट का चार्ज लोगे, और पोटेंशियल पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। इतना क्लियर है क्या, क्यू और वी की समझ में आया, पॉजिटिव और नेगेटिव पे हमेशा अलग अलग, मतलब अगर एक पे प्लस क्यू है तो दूसरे पे माइनस क्यू होगा हमेशा, तभी कैपेसिटर बोलते वरना नहीं बोलते। तो अगर इस पे प्लस क्यू है तो हम पॉजिटिव वाले का चार्ज लेंगे, और पोटेंशियल क्या लेंगे, पॉजिटिव का माइनस नेगेटिव का। इतना सभी को क्लियर है, लिख लो क्वेश्चन, लिख लो फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर्स। कैसे करोगे भाई, क्यू तो तुमको पता ही है, देखो ये मैंने बार बार सिखाया है, वी प्लस निकालना आता है, इसका पोटेंशियल निकालोगे, इसका पोटेंशियल निकालोगे, सीखा है अपन ने, बार बार करें क्वेश्चंस, माइनस करोगे, करो सब लोग, हो गया ना। देखो अभी बुक्स खोलोगे, ये डेरिवेशन की तरह दिया है, जैसे कोई बड़ा सा डेरिवेशन है जो याद रखना है, नहीं रखना है यार, छोटा सा क्वेश्चन है ये तो, है ना। तो अब तुमने करा है, आता है तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा अच्छे से, तो फटाक से कर देंगे। चलो जताओ जल्दी से, वी प्लस क्या होगा, इसका पोटेंशियल, इसके कारण कितना होगा, के क्यू बाय आर वन, प्लस इसके कारण कितना आएगा, के माइनस क्यू बाय आर टू, क्योंकि इसके अंदर है, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना। वी माइनस कितना होगा, पूरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये चार्ज भी सेंटर पे रख दोगे, ये चार्ज भी सेंटर पे रख दोगे, तो वी माइनस कितना हो गया, जीरो। चलो लिख ही देता हूँ मैं, के क्यू बाय आर टू माइनस, मतलब प्लस के माइनस क्यू बाय आर टू, तो जीरो आ गया, है ना। इस चार्ज को सेंटर पे रखा तो आर टू डिस्टेंस में निकाला, इस चार्ज को सेंटर पे रखा तो नेट चार्ज जीरो है, तो पोटेंशियल कितना है माइनस वाले का, जीरो। तो वी प्लस माइनस वी माइनस कितना आ गया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल के आया, बताओ जल्दी से कितना निकला, के क्यू वन बाई आर वन प्लस वन बाय आर टू, ठीक है। अब हमारा इसको क्या लिख सकते हो तुम, के क्यू आर वन आर टू बाय, आर वन प्लस आर टू, बताओ क्या है, किस दुनिया में, तुम बताओ मुझे। देख लो मेरे ख्याल से सब क्लियर है, यहाँ पे निकाल लेते कैपेसिटेंस क्या होता है तुम्हारा, क्यू बाय वी, क्यू को इससे डिवाइड कर दो, क्यू क्यू तो कट गया, क्या बचा तुम्हारा, आर वन आर टू बाय आर वन प्लस आर टू, और के नीचे आ जाएगा, के को अगर ऊपर पहुंचाते तो क्या आ जाएगा, के क्या होता है, वन बाई फोर बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सी तुम्हारा आ गया फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर वन आर टू बाय आर वन प्लस आर टू। इस फॉर्मूले को याद रखना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है, अब हमको क्वेश्चन सीधे सीधे आएंगे। गलत कर दिया, क्या करते हो तुम लोग, यही मैं सोच रहा हूँ,
क्या कर रखा है बताओ? गलत आंसर निकलवा दिया। R2 माइनस R1 है ना, इधर पे माइनस था ना तो करेक्शन कर दिया हमने ना, तो ये सही है। तो लिख लो, चलो कैपेसिटर लिख लो भाई, होता क्या है नोट करके लिख लो। एक टू कंडक्टर्स फेसिंग ईच अदर हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर कॉल्ड कैपेसिटर्स। नेट चार्ज ऑन कैपेसिटर्स इज कितना होता है? जीरो, ऑलवेज है ना, ये हमेशा ट्रू है। अगर नहीं हो रहा ऐसा तो क्या वो कैपेसिटर नहीं कहलाएगा फिर? कुछ और है, कैपेसिटर नहीं है पर वो। इट इज ए डिवाइस यूज टू स्टोर द चार्ज, ये चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। ये पंखे के अंदर भी होता है, बहुत सारी जगह होता है, इसको हम कंडेंसर बोलते हैं वहाँ पे ना, कैपेसिटर ही होता है कंडेंसर भी। कभी कंडेंसर वर्ड आता है समझ जाना कैपेसिटर है ना। एंड इट स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़े आगे लिखो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर।